चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनका गठबंधन यूपी में 69 सीटें जीतेगा, लेकिन जब यही अखिलेश मेरठ में रैली करने पहुंचे तो समर्थकों तक को तरस गए। बता दें कि 79 सीटों पर जीतने का दावा तो अखिलेश यादव ने किया, लेकिन मेरठ में जब रैली करने पहुंचे तो यहां समर्थक ही नहीं नजर आए। अखिलेश यादव की मेरठ रैली 12:15 बजे से प्रस्तावित थी, जो करीब 1 घंटे देरी से शुरू हुई, लेकिन भीड़ के नाम पर यहां जनता का आता पता ही नहीं था। अखिलेश को सुनने महज कुछ 100 लोग ही पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली नजर आई। तो अखिलेश यादव की रैली के दौरान मैदान का नजारा क्या था, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे रिपोर्टर अतुल शर्मा। ना खुदा मिले ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के सनम, वही हाल आज अखिलेश यादव की रैली का यानी मेरठ में हो चुका है। चारों तरफ पंडाल खाली पड़ा है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि मेरठ में कई दिग्गज आज भीड़ इकट्ठा करने में जुटे थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुर्सियां खाली पड़ी हुई नजर आ रही है। कुर्सियां इंतजार कर रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कब हमारे पास आकर बैठेंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को अग्निवीर योजना से मुक्त कराने की बात कर रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवाओं के लोकप्रिय नेता युवा यहां नहीं पहुंच पाए। दूसरी तरफ देखा जा सकता है कि चारों तरफ जो ये भीड़ नजर आ रही है, चंद लोग यहां जो सभा है उसमें पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ चारों तरफ खाली पंडाल से जाहिर होता है कि अखिलेश यादव कितने बड़े नेता है और इतने बड़े नेता की जनसभा में कितने लोग पहुंचे हैं। अखिलेश यादव लगातार अपनी जनसभा में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकसभा प्रत्याशी सुनीता वर्मा का समर्थन किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता के साथ साथ सुनीता वर्मा के साथ मेरठ की जनता का क्या हाल है। चारों तरफ खालियां कुर्सी ये साफ तौर पर दिखाती है कि अखिलेश यादव की जिस तरह से जनसभा चल रही है, चारों तरफ लोग जयकारे लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन हकीकत की बात यह है कि खाली कुर्सियां ये बयां कर रही है कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है, कितने लोग अखिलेश यादव को सुनने के लिए पहुंचते हैं, और दूसरी तरफ खाली कुर्सियां धूल फांकती हुई नजर आती है, लेकिन अखिलेश यादव की कुर्सियों पर लोग बैठे हुए नजर नहीं आते हैं। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। आज मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के यानी गढ़ मेरठ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन कहा जा सकता है 12:15 बजे अखिलेश यादव मेरठ पहुंचेंगे, 12 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन चारों तरफ पंडाल इस वक्त खाली पड़ा हुआ नजर आने लगा है। कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले जिस तरह से कार्यकर्ता नाराज है, बड़े नेताओं की बात की जाए तो अखिलेश यादव की पार्टी से नाराज है, एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार टिकट कटवाने के कार्यकर्ताओं की नाराजगी यहाँ जाहिर हो रही है कि अभी तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू नहीं हुआ है। कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव थोड़ी देर में मेरे पहुंचेंगे, लेकिन माना जा सकता है अखिलेश यादव के आने से पहले अभी तक यहाँ पर जो लोग हैं उनका पहुंचना शुरू नहीं हुआ है। कहा जा सकता है कि पंडाल है चारों तरफ खाली नजर आ रहा है। अपने कैमरा से दिखाई चारों तरफ किस तरह से कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, एक नहीं बल्कि चारों पंडाल यहाँ पर खाली नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है अखिलेश यादव की जनसभा बात की जाए, यहाँ पर भानु प्रताप कार्यकर्ताओं की नाराजगी यहाँ देखने के लिए पंडाल जा रहे हैं। इस तरह से समर्थन में लोग तो नहीं पहुंचे, और कार्यक्रम स्थल की क्या तस्वीरें थी ये भी हमने आपको दिखाई है। मेरठ की रैली में भीड़ को अखिलेश यादव तरस गए, जबकि कई दावे अखिलेश यादव आए दिन कर रहे हैं। यूपी में करिश्मा करने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए जमीनी हकीकत क्या है कि जब आज एक भव्य रैली करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो मेरठ की रैली में भीड़ नदारद दिखी। कुछ लोग, कुछ समर्थक ही वहां पर नजर आ रहे थे जहां पर अखिलेश यादव ने संबोधन दिया। और एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव जिस तरह का कार्यक्रम चाह रहे थे, जो रैली में समर्थन चाह रहे थे,
क्या वो समर्थन पाने में उनसे देरी हो गई है? मेरठ की जनता समर्थन करने के लिए अखिलेश यादव की रैली में क्यों नहीं पहुंची, एक बड़ा सवाल। आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली पड़ी हुई थीं, जो एक साफ मैसेज है सपा के लिए।